चन्योर, डिप्टी कमिश्नर चन्योर मोहम्मद रियाज और डीपीओ चन्योर सईद हुसैन हैदर की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ नई खबर न्यूज फैज अहमद फैजी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज और डीपीओ चन्योट सैयद हसनैन हैदर की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अमन अमान के क्याम और रवादारी के फरोग के लिए मुआशरे के तमाम तबकात को अपना भरपूर करदार अदा करना चाहिए। इस मौका पर डीपीओ चन्योट सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा और किसी को भी शहर का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस इजलास में पाकिस्तान आर्मी के अफसरान और बड़ी तादाद में अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की और अमन अमान के क्याम के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन शबीर अहमद मुगल के साथ फयाज अहमद फैजी, ब्यूरो चीफ नई खबर न्यूज चन्योट।